आज हम सबसे बड़ा मसला डील करने जा रहे हैं कि अगर सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाए तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि अगर सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाए तो हमने कहा कि क्या हुआ करेगा फिर। इफ अ सिंगल ऑपरेटर गेट्स रिजेक्टेड तो आपने याद रखना है कि आपके पास इवन ऑड पावर्स आएंगी, ऑफ अलोन साइन कॉस एंड टेन टर्म्स, अकेली होंगी उसके साथ कुछ नहीं लगा होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। अलोन साइन कॉस या टेन टर्म्स, ठीक है। तो अगर आपका सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी इवन ऑड पावर्स हुआ करेंगी अलोन साइन कॉस टेन टर्म्स की। अगर आपके पास इवन या ऑड पावर है जी साइन और कॉस की, तो आपने याद रखना है हम यहाँ पे अगर इवन पावर है तो हम कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी में कॉस 2 थीटा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर से हम कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अब हम इसकी एक वेरिएशन याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और cos square theta होता है 1 plus cos 2 theta over 2 होता है। So, आपने क्या करना है, अगर आपके पास कभी भी sin या cos की double even power आ जाए, तो आपने even power के लिए cos की double angle identity में से sin square और cos square को subject बना लेना है और उसको use क्या करना है। Odd आएगी तो मैं भी बताता हूँ क्या करना है। तो पहले मैं आपको even power की एक practice करके दिखा दूँ। So, पहली example देखते हैं। So, we have sin स्क्वेयर थीटा डी थीटा, थीटा की जगह एक्स लिख रहा हूं, बाद में ना मैं फ्लो में एक्स लिखना शुरू हो जाता हूं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। फिर साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स आ गया हमारे पास। पहली बात तो आप लोग मुझे ये देख के बताओ, चैट बॉक्स में आ जाओ, मुझे ये देख के बताओ कि कितने ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी, एक है या दो है, गौर से देख लो। एक ऑपरेटर है सिर्फ, ये जो लोग दो कह रहे हैं बेटे, एक ऑपरेटर है सिर्फ, पावर है। क्यों? क्योंकि बेटे ये इस तरह लिखा होगा ना, साइन एक्स होल स्क्वायर, जो साइन पे स्क्वायर होता है वो पूरे पे होता है। तो अगर बेटे ऑपरेटर, मैं पावर को ऑपरेटर लेता हूं, इफ आई टेक पावर एज ऑपरेटर, तो बेटे बॉक्स क्या आया, साइन एक्स, बॉक्स आ गया साइन एक्स। बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी बेटा जी, cos x, I cannot introduce a cos x over here, cannot introduce a variable term. तो ये ऑपरेटर क्या हो गया बेटे, रिजेक्ट हो गया। सिंगल एक ही ऑपरेटर था, वो रिजेक्ट हो गया। अब सबको समझ आ गया कि साइन क्यों नहीं ऑपरेटर आ सकता, क्योंकि वो तो पावर के बॉक्स के अंदर आ गया हुआ है। हमने ऊपर एक नोट लिखा था कि अगर कोई चीज किसी पावर के बॉक्स के अंदर आ जाए तो वो खुद ऑपरेटर नहीं हो सकती है, कांट मेक दैट ऑपरेटर, ठीक है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई हमें कि हमारा सिंगल ऑपरेटर था और वो रिजेक्ट हो गया। सो अब अगर आपका सिंगल ऑपरेटर बेटा जी रिजेक्ट हो गया, तो अब इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने ऑड इवन पावर्स ऑफ साइन कॉस लगानी है। कैसे लगानी है, अब स्टेप टू के ऊपर आते हैं। अब आप नोटिस करें, इट इज एन इवन पावर ऑफ साइन कॉस, ठीक है। सो सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया, दिस इज एन इवन पावर ऑफ साइन। अगर इवन पावर ऑफ साइन है तो ऊपर जाके टेबल पे देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि अगर आपके पास इवन पावर ऑफ साइन है तो आपने साइन की डबल कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी में से साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेना है। ये जो मैंने दोनों ग्रीन से लिखी हुई है बेटा, ये दोनों आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा, इनको जरा अच्छे तरीके से ना, इन जो वेरिएशन है इनको जरा हल्का सा रटा लगा लें। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटीग्रेशन। यार क्या हो गया मेरी स्पेलिंग्स को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन। ट्रिग्नोमेट्री में
ट्रिक के लिए ये यूज होती है, ट्रिक के अंदर ये वेरिएशन यूज कर रहे होते हैं, और हम नीचे वाली जो है ये इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा की जगह, फिर देखो वहां पे मैंने वेरिएशन क्या लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू लगाना चाहेंगे हम, ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर से पिक किए साइन स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स ओवर टू लगाएंगे। तो अब आप देखो, अब जरा मैं इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू, साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लगा दिया डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब बेटे देखो नीचे वन बाय टू है वो कॉमन है, उसको बाहर निकाल दो, एक वन बाय टू कॉमन आउटसाइड, अंदर क्या बच गया, वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स। मैं यहां स्टेप लिख देता हूं, मैंने क्या किया, टेक वन बाय टू कॉमन आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, कोई भी नंबर जो कॉमन निकला हो या सारे से डिवाइड हो रहा हो उसको आप सिंपली इस तरह उठा के बाहर भेज सकते हो इंटीग्रेशन के साइन से। अगला स्टेप, वन बाय टू तो बाहर ही रहेगा, अंदर इन दोनों को दो चीजें प्लस या माइनस हो रही हो तो वो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा वन को अलग इंटीग्रेट कर दोगे माइनस, आप कॉस टू एक्स को अलग इंटीग्रेट करोगे, लिख के करना है ये, मैं कोई छोटी वर्किंग नहीं, डिटेल वर्किंग नहीं करके दिखा रहा है, आपको इसी तरह करना पड़ना है। क्यों मैं अभी आपको बताता हूं, बेटे वन बाय टू तो वैसे ही आ गया इनटू वन की इंटीग्रेशन क्या करोगे, एक्स हो जाएगी माइनस। अब सेकंड ब्रैकेट में देखो बेटा ऑपरेटर कौन बनेगा, कॉस, कॉस ऑपरेटर बन गया आपका, बॉक्स कौन बनेगा जी, ऑपरेटर कॉस बन गया, बॉक्स कौन बनेगा, बॉक्स बना टू एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आई टू, आपको यहां पर टू चाहिए, तो जब आपको यहां पे 2 चाहिए तो आप यहां पे 2 लगाओगे और आपको इस इंटीग्रेशन के साइन के बाहर यहां क्या लगाना पड़ेगा, 1 बाय 2, तीन चीजें गायब हो जाएंगी, 1 2 एंड 3, ये तीन चीजें गायब हो जाएंगी। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन माइनस, ये 1 बाय 2 छोड़ दें इसको यहीं पे, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन 2x हो जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट वाज क्लोज, सो दिस विल बी 1 बाय 2 इनटू x माइनस साइन टू एक्स ओवर टू, ये आपका बेटा जी फाइनल आंसर आ जाए। पहली बात, अलोन पावर, अलोन जब भी साइन कॉस की कोई पावर डली होगी तो उसके ऊपर ऑड इवन पावर्स के रूल्स लगेंगे। इवन पावर में आपने क्या करना है, इवन पावर में आपने ये वाली दो सब्स्टिट्यूशंस को यूज क्या करना है, पावर फोर नहीं आएगी आपको, ये मैं पहले बता रहा हूं, स्क्वायर तक, स्क्वायर और क्यूब आनी है पावर सिर्फ, ठीक है। सो पावर फोर नहीं आनी, तो स्क्वायर आएगा तो आपने साइन स्क्वायर की जगह क्या लगाया, वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर टू। दूसरा स्टेप, वन बाय टू बेटे सारे से डिवाइड हो रहा था, वन बाय टू को बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर वन माइनस कॉस टू एक्स रह गया, वन को अलग इंटीग्रेट कर लिया, कॉस टू एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लिया, वन की इंटीग्रेशन तो एक्स हो गई, और जब आपने कॉस को इंटीग्रेट किया तो कॉस की, कॉस का पहले बॉक्स बना टू एक्स और बॉक्स की डिफरेंशिएशन आई टू, तो आपने बाहर 2 लगाने के लिए बाहर 1 बाय 2 लगाया, तीन चीजें गायब हो गई, इंटीग्रेशन के दोनों साइन्स और बॉक्स की डिफरेंशिएशन, और आपके पास कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ गई, साइन 2x आ गई। अच्छा मैं एक मिनट अभी इसको इग्नोर करता हूं, एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं साइन के ऊपर, यही काम कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर करके देखते हैं। तो आज ही सबसे पहले तो हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जिनको पीछे कंफ्यूजन आई है कोई मसला नहीं है, पहली बात तो डिसीजन लेते हैं कि ऑपरेटर कौन है। यहाँ पे ऑपरेटर है बेटा पावर, कॉस एक्स होल स्क्वायर है ये डी एक्स। अगर बेटा जी आप पावर को ऑपरेटर लेते तो बॉक्स बनना था कॉस एक्स, ये आप जहन में कर सकते हो, बॉक्स बनना था बेटा मेरा कॉस एक्स, बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन आनी थी मेरे पास माइनस साइन एक्स, एंड आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल। तो मेरे पास एक ही ऑपरेटर था और वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो मुझे अब किसके ऊपर जाना है, अब मुझे पिक करना है ऑड इवन पावर्स ऑफ साइन कॉस।
तो मैंने आके नोटिस किया तो ये कैसी थी, ये थी इवन पावर ऑफ कॉस थी, इवन पावर ऑफ कॉस थी। तो मैंने वहां से जाके देखा तो मुझे आइडेंटिटी नजर आई, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू है, आइडेंटिटी मैंने ऊपर से पिक कर ली। ये आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अब आपके पास बन जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स ओवर टू डी एक्स। टू सारे से डिवाइड हो रहा है तो उसको बाहर कॉमन निकाल दो, वन बाय टू को बाहर कॉमन निकाल दो और इंटीग्रेशन के अंदर साइन के अंदर क्या बचेगा आपके पास, वन प्लस कॉस टू एक्स। दो टर्म्स कभी भी प्लस या माइनस हो रही हो तो आप उनको इंटीग्रेट अलग अलग कर सकते हो। तो आप लिखोगे वन बाय टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, वन की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे प्लस कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन अलग करेंगे। ना नोटिस कि मैं इंटीग्रेशन के साइन के बाद जानबूझ के स्पेस खाली छोड़ता हूं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या आना है, बॉक्स की डिफरेंशिएशन पूरी करनी होती है। सो वन बाय टू इंटीग्रेशन का साइन, वन की इंटीग्रेशन बेटा जी एक्स आ जाएगी, ठीक है प्लस। बेटे अगर आपने कॉस को ऑपरेटर लिया तो बॉक्स देखिए क्या आएगा, टू एक्स, बॉक्स की वैल्यू आई टू एक्स और बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ गई मेरे पास, टू। Now I want a 2 over here, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा और बेटे यहाँ पे बाहर क्या लग जाएगा, 1 by 2, three things will disappear, ये तीन चीजें गायब कर दें, ठीक है, और 1 by 2 तो as it is अपनी जगह पे आ जाएगा, और cos 2x की जगह पे क्या आ जाएगा, sin, cos की इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगी, sin 2x, और ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। सो नाउ योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 1 by 2 x plus sin 2x over। ना क्वेश्चन इससे मुश्किल आना है ना इससे एडवांस्ड आना है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन की एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग, इवन पावर्स अगर आपको आएंगी तो वो इस तरह से आएंगी। अच्छा अब आते हैं जी हम साइन क्यूब एक्स के ऊपर, अब जरा ऑड पावर्स के रूल सीखते हैं। ऑड पावर के जरा रूल सीखना क्या है, आपने पावर को स्प्लिट, ऑड पावर के रूल क्या है, यू हैव टू स्प्लिट द पावर, किस तरह से, वन पावर अलग कर देनी है मल्टीप्लाई बाय रेस्ट ऑफ द पावर अलग कर दिया करनी है, और उसके बाद आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, किस पोर्शन के लिए, ये वाले पोर्शन के लिए, रेस्ट वाले पोर्शन के लिए यहां पे लगा देनी है, उससे क्या होगा बाद में देखते हैं। अच्छा एक बात जिसमें सबको मस्ता आ रहा है बेटे, ये जरा एक दफा देख ले, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ बेटे, दो चीजें अगर ये प्लस या माइनस हो रही हूं तो उनको आप अलग अलग इंटीग्रेट करते हो, ए को अलग इंटीग्रेट करते हो और बी को अलग प्लस या माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं अगर दो चीजें प्लस या माइनस हो रही होंगी, अगर दो चीजें प्लस या माइनस हो रही होंगी तो उनको आप अलग अलग इंटीग्रेट किया करेंगे, ठीक है। तो माइनस के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। तो अगर कुछ जो लोग पूछ रहे हैं ना सर इनको अलग अलग क्यों इंटीग्रेट किया है, तो बेटे प्लस या माइनस में हमेशा अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। अच्छा अब ये ऑड पावर है साइन की, ठीक है, ऑड पावर है, सिंगल ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर है, नीचे साइन एक्स है, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होगी और आप कॉस नहीं लगा सकते हो यहाँ पे, तो कॉस एक्स नहीं लगा सकते हो, तो ये ऑपरेटर सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया हुआ है, सिंगल ऑपरेटर पावर, और वो क्या हो चुका हुआ है इस टाइम पे, रिजेक्ट हो गया हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑड पावर ऑफ साइन, ये देखने में बड़े ड्रॉने हैं लेकिन ये ना एक दफा याद करने पड़ते हैं, बाद में याद क्या करना है, शुरू के स्टेप्स याद करने होते हैं आपने, ठीक है, वो बाद में हाथ सही हो जाता है। अब देखो बेटे साइन क्यूब है तो मैं पावर स्प्लिट करने लगा हूं, स्प्लिट द पावर, पावर स्प्लिट करने लगा हूं पहला काम। तो तीन पावर है बेटे, एक पावर अलग कर दें, साइन एक्स अलग कर दें, साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दें, वन पावर साइड पे कर लेनी है, बाकी की पावर साइड पे कर दिया करनी है। अब जो रिमेनिंग पावर है ना, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन से सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां साइन स्क्वायर लिखा है उसकी जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, सो अब ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं यहां पे एक सेकंड के लिए स्टॉप करता हूं ताकि मैं दोबारा रिपीट कर लूं। पहली बात, आपके पास सिंगल ऑपरेटर था, पावर ऑपरेटर थी और वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप,
ऑड पावर थी तो ऑड पावर में स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, वन पावर अलग कर देनी है और रिमेनिंग पावर अलग कर देनी है. तो क्यूब था बेटा, साइन एक्स की एक पावर अलग कर दी और साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिया. अब ये जो रिमेनिंग वाली पावर है इस पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन से सब्स्टिट्यूशन लगा देनी है. तो साइन स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना. दिस विल बिकम साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर्ड एक्स डीएक्स. अभी मैं पिछले पेज पे बता के आया हूं कि अगर दो चीजें प्लस या माइनस हो रही हैं, दो टर्म्स अलग अलग प्लस माइनस हो रही हैं, तो वो अलग अलग इंटीग्रेट होंगी. तो इनको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेटली. बोथ टर्म्स सेपरेटली. तो आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन अलग करेंगे माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे. ठीक है, अभी तक मैंने क्या क्या किया, मैंने ऑड पावर के लिए पहले तो स्प्लिट किया. स्प्लिट करने के बाद साइन स्क्वायर की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर लगाया और उसके बाद साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. दो अलग अलग टर्म्स थी, मैंने उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने लगा. अब इनको यहां से आगे समझे मेरे साथ. ठीक है, अच्छा अब हम यहां आगे, यहां से आगे जरा नॉर्मल इंटीग्रेशन जरा गौर से देखिएगा. पहला वाला सेक्शन तो बिल्कुल सिंपल है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है. जी साइन को मैं अगर ऑपरेटर लेता हूं तो मेरा बॉक्स बन जाता है एक्स. बॉक्स आ गया मेरे पास एक्स. बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी मेरे पास, वन. तो वन तो यहां पे प्रेजेंट होता ही है. तीन चीजें गायब कर देंगे, साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी. जी साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जरा बॉक्स में, नीचे चैट बॉक्स में लिखना. साइन कॉस की इंटीग्रेशन याद कर लो, डिफरेंशिएशन उल्टी होती है इनकी. इसकी माइनस कॉस एक्स होती है, कॉस नहीं होती है, खुदा का वास्ता ये याद कर लो. ठीक है, अब ये नहीं मैं याद करवा सकता, मैं जितना मर्जी अच्छा टीचर हूं, जो बेसिक चीजें बच्चे के याद करने वाली है आई कांट डू देम बेटा जी. ठीक है, तो ए लेवल मैथ्स में इसलिए यू आते हैं कि सोचो 10 मार्क का क्वेश्चन होगा और साइन की इंटीग्रेशन कॉस करके आगे लिमिट्स लगा दो, वो सारे जीरो देते हैं वहां पे. ठीक है, तो मैं बेटे वहां पे हेल्प नहीं कर सकता. ए लेवल मार्क्स में आपका ए आता है या यू आता है उसमें 80% बच्चे का हाथ होता है, 20% टीचर का हाथ होता है. टीचर ने सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाने होते हैं. मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आपके साथ ये गड़बड़ होगी. अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर है ये. जी पहली बार हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी इन द सेकेंड इंटीग्रेशन, हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी. जी साइन एंड पावर दो ऑपरेटर्स हैं बेटे, किसको चूज करेंगे. अगर तो मैं साइन को ऑपरेटर यूज करता हूं तो बॉक्स बना एक्स, बॉक्स बन गया एक्स, बॉक्स की डिफरेंसिएशन आई वन. बाहर वन बनाना है, एग्जैक्ट वन तो मैं लगा लूंगा लेकिन आई हैव टू रिमूव कॉस एक्स होल स्क्वायर. तो ये तो रिमूव आप कर ही नहीं सकते, ये क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया. वेरिएबल टर्म रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि साइन के बाहर सिर्फ बॉक्स की डिफरेंसिएशन होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं वहां पे बाहर पड़ा होना चाहिए. तो मैंने कहा कि अगर मैं साइन को ऑपरेटर लेता हूं तो मेरा बॉक्स बनेगा एक्स, बॉक्स की डिफरेंसिएशन वन आएगी और बेटे बाहर वन कंप्लीट करने के लिए मुझे कॉस स्क्वायर एक्स पूरा हटाना पड़ रहा है. तो मैं वेरिएबल रिमूव नहीं कर सकता, इसलिए ये ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया. ठीक है, तो मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं. साइन मेरा गलत ऑपरेटर है. ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेकंड ऑपरेटर की तरफ. हमारा सेकंड ऑपरेटर है बेटा जी पावर. जब आप पावर को ऑपरेटर लेंगे तो आपका बॉक्स क्या बनेगा, कॉस. बॉक्स की डिफरेंसिएशन, जी कॉस की डिफरेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स. बिल्कुल ठीक है, साइन एक्स तो पड़ा हुआ है, आपको माइनस चाहिए यहां पर. आप यहां पर माइनस लगा दो, बाहर डिवाइडेड बाय माइनस वन कर दो, अंदर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर डिवाइडेड बाय माइनस से डिवाइड कर दो बाहर. ठीक है, और इसको कंप्लीट को पैकेट बना लो, ये जो माइनस साइन एक्स कंप्लीट हो गया. नाउ थ्री थिंग्स विल डिसअपीयर एंड ऑपरेटर कैन बी इंटीग्रेटेड. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. ऑपरेटर को इंटीग्रेट कर दें, पावर ऑपरेटर एक्सेप्ट हो गया. कॉस एक्स की पावर में वन ऐड करेंगे, थ्री डिवाइडेड बाय थ्री.
आप सोचो अगर किसी बच्चे को ऑपरेटर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता, उसको सिलेक्ट रिजेक्ट नहीं करने आते, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो तो उड़ जाएगा बेचारा. सो आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स ओवर थ्री. ये आपकी फाइनल इंटीग्रेशन है. अगर हमने जी कॉस के साथ यही एग्जाम्पल देख लिया, तो नंबर फोर, आप जरा आराम से मेरे साथ देखिएगा, अब समझने वाला समझ लिया, आप अप्लाई होता हुआ देखिएगा. नहीं अनुषा गलत बोल रही हो. अच्छा अब देखिए बेटे, यहां पे सिंगल ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर है, ठीक है, और हमारे पास बॉक्स है बेटे cos x. अनुषा मैं ये बात क्लैरिफाई करता हूं, मुझे पता है कहां पे अटकी हुई हो, आई विल क्लैरिफाई यू ऑन दिस वन. अरे अभी एंड पे सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल एंड पे करवाऊंगा. अच्छा जी बेटे देखिए, नीचे cos x है हमारे पास, ऑपरेटर पावर है, सिंगल ऑपरेटर है, ऑपरेटर पावर है cos x होल क्यूब, तो बाहर वाला ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर पावर है, बॉक्स बना cos x, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आई, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स तो आप बाहर लगा ही नहीं सकते हो, तो वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ये रिजेक्ट हो गया ऑपरेटर आपका, क्योंकि आप वेरिएबल टर्म इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, नंबर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो वो रिजेक्ट हो गया. तो नाउ वी नो दिस इज एन ऑड पावर ऑफ कॉस. ऑड पावर के लिए रूल पड़ा था, हम स्प्लिट कर देंगे पावर्स को, स्प्लिट पावर्स जी, पावर को स्प्लिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, cos x into cos squared x dx, ठीक है, cos x into cos squared x dx आ जाएगी. अब बेटे देखो cos x into, अब cos square की जगह 1 minus sin square x लगेगा, तो बेटे ये predefined रट्टा है कि किस जगह पे क्या लगना है, you can't think on the go वहां पे पेपर के अंदर. अगर आपको पेपर में भूल गया कि cos cube x के ऊपर क्या ट्रीटमेंट लगानी थी, तो वो भूल गया है, वो याद नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, यू हैव टू नो कि आपने किस पोर्शन पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी होती है. अब इट इज cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बिकम cos x माइनस cos x sin squared x. अब रिट्टा असल में कभी कभी अच्छी चीज भी हो जाती है, क्योंकि जब आप इसको अलग कर रहे होगे तो इधर cos x अलग इंटीग्रेट होगा माइनस, ये जब अलग इंटीग्रेट होगा तो नाउ यू नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि पावर ने आपका ऑपरेटर बनना है, ठीक है. अब cos x को पहले इंटीग्रेट करते हैं, सो आई एम गोइंग टू हैव cos को आप ऑपरेटर लो, बॉक्स ये बन गया, बॉक्स अलग से लिखा करो x, बॉक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो 1 तो बाहर प्रेजेंट है, तीन चीजें गायब कर दो, कॉस की इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगी कॉस की इंटीग्रेशन, साइन एक्स आ जाएगी माइनस. आ जाओ पावर को ऑपरेटर लो, बॉक्स कौन बना, साइन एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, कॉस एक्स, बाहर पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है, तीन चीजें गायब कर दो, 1, 2 and 3 थिंग्स विल गो अवे, ठीक है, ऑपरेटर इंटीग्रेट करने की इजाजत मिल गई, क्या होगा, साइन क्यूब एक्स, पावर में 1 ऐड कर दो, साइन एक्स होल क्यूब ओवर 3, और फाइनल फॉर्म लिखोगे साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर 3. अच्छा इवन ऑड पावर्स ऑफ टैन, अच्छा टैन जरा ज्यादा आसान है, टैन में ना दोनों केसेस में सेम आइडेंटिटी यूज होती है, ठीक है, इवन पावर होगी तो डायरेक्ट लगा देना, ऑड पावर होगी तो स्प्लिट करने के बाद लगा देना, ठीक है. अच्छा तो इवन ऑड पावर में, इवन ऑड पावर ऑफ टैन में अगेन ये आएगी, कैसे, पहले मैं आपको इवन पावर करके दिखा देता हूं पहली, अगर आपके पास है जी टैन स्क्वायर एक्स, तो आप कहेंगे सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया, पावर, अगर आप पावर को ऑपरेटर ले लेते हैं, ऑपरेटर पावर है, बॉक्स बना टैन एक्स, बॉक्स की डिफरेंशिएशन बनी सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस दिस,
secant square, तो ये क्या हो गया, ये reject हो गया। अब हमें पता चल गया कि ये क्या है, this is even power of tan का treatment है। तो कैसे करनी है, वो उन्होंने कहा है कि इस substitution से करें, 1 plus tan square is equal to secant square x, ठीक है, theta की जगह मैं x लिख रहा हूं, एक second, तो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। अब मैं यहां से लिखता हूं टैन की जगह क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। दो चीजें अगर बेटे प्लस माइनस हो रही हूं तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बड़ा आसान पोर्शन है, टैन वाला तंग नहीं करता, माइनस वन की इंटीग्रेशन अलग। अच्छा, पहली बात, पहले वाले इंटीग्रेशन साइन में हाउ मेनी ऑपरेटर्स डू यू सी, पहले वाले इंटीग्रेशन साइन में कितने ऑपरेटर है, ऑपरेटर का नाम बताना, ऑपरेटर का नाम जरूर बताना। सीकेंट स्क्वायर बेटे, बिल्कुल शाबाश, पावर ऑपरेटर नहीं है बेटे, सीकेंट स्क्वायर ऑपरेटर है। याद करो मैंने कहा था सीकेंट स्क्वायर इन इटसेल्फ ऑपरेटर है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन होती है। तो बेटे सीकेंट स्क्वायर आपका ऑपरेटर है, बॉक्स बना एक्स, बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन आई वन, वन तो बाहर लगा ही होता है, वन टू थ्री थिंग्स विल गो अवे और सीकेंट स्क्वायर इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा बेटा जी, टेन एक्स बन जाएगा, माइनस वन की इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हमें पता होती है एक्स है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। सो टेन की ऑड इवन पावर्स ना बड़ी सिंपल होती है, इसमें ना कोई बहुत ज्यादा कोई डॉजी बिजनेस नहीं होता। अगर तो इवन पावर है तो आपने सिंपल सा एक काम करना है, आपने इवन पावर के लिए उसमें वन प्लस टेन स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। याद करो हमने कहा था tan एंड secant square are cousins, ठीक है, so tan एंड secant square are cousins, तो वो यहाँ पे odd even power में भी secant square आ जाता है उसको rescue करने पे, ठीक है। तो 1 plus tan square is equals to secant square से, 1 plus tan square is secant square से आपने substitution ले ली, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया और वो कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अगर odd हुई तो फिर क्या करना है, फिर स्प्लिट करना है, odd में हमेशा स्प्लिट करनी होती है पावर, स्प्लिट करना है और बाद वाले पोर्शन पे ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, कैसे लगेगी लगा के देखते हैं फिर समझ आएगी। सो दूसरा पोर्शन क्या है ऑड वाले में, इफ वी डूइंग ऑड पावर, तो अगर मैंने क्वेश्चन लिखा टैन क्यूब एक्स, दोबारा देख ले बेटे पावर ऑपरेटर है, टैन की डिफ्रेंसिएशन सीकेंट स्क्वायर बनेगी, वो हम बाहर नहीं लगा सकते, इसलिए बेटा जी हम कहेंगे ऑपरेटर रिजेक्ट हो गया। तो अब हम कहेंगे ये क्या है ऑड पावर ऑफ टैन। अब जरा गौर से सुनना, यहाँ पे ना आप लोगों को एक ट्रिक आने वाला है आप लोगों के लिए। तो अब हम क्या करने लगे, स्प्लिट करने लगे हैं पावर, गौर से देखते रहिएगा। तो जब मैं पावर स्प्लिट करूंगा बेटा, तो मैं लिखूंगा टैन एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इस पोर्शन के ऊपर मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा, कौन सी वाली, वही सेम टैन के केस में सेम आइडेंटिटी लगती है ऑड इवन पावर्स के लिए। तो अब ये मेरे पास बन गया tan x इंटू secant स्क्वायर x माइनस वन। अब बड़े गौर से देखिएगा, ये जरा थोड़ा सा डॉजी बिजनेस है, मैं इन दोनों को, मैं tan x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, tan x secant स्क्वायर x dx माइनस, अब पता चलेगा कौन कौन पिछले दिनों में सुन रहा था और याद रख रहा था या नहीं, इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग जी बेटा। ये दोनों को हमने अलग अलग कर लिया इंटीग्रेट। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, परेशान ना हो जाना, वो स्टेप है मैं नीचे कर देता हूँ, बाद में परेशान ना हो जाओगे। मैंने बीच वाला एक स्टेप स्किप किया था, वो मैं लिख देता हूँ कि जब मैंने टैन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बना होगा टैन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस वन इंटू टेन एक्स क्या आया होगा मेरे पास, टेन एक्स आया होगा डी एक्स जी। अब मुझे देख के बताएं, आई वॉन्ट यू गाइज टू सी, पहले वाली ब्रैकेट देखें, हाउ मेनी, वॉट विल यू टेक ऑपरेटर, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वॉट विल यू टेक ऑपरेटर पहली वाली में, जिनको पता है मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा शाबाश, जो तुक्के लगा रहे हैं ना मैं अभी ठीक करता हूँ। अच्छा, मेरे लाइक बचे हैं, डफर्स बने हुए हैं,
एक नोट लिख के आए थे हम कुछ जमाना पहले, नोट ढूंढने जा रहा हूं मैं, यहीं कहीं लिखा था मैंने, अभी मैं दिखाऊंगा और फिर मैं बिस्ती करूंगा। ये जरा पढ़ें, ये नोट क्या है, ये नोट जरा पढ़ें। When tan and secant square are together, then the power of tan is the operator. ठीक है, जब भी tan, अब देखो ये सारा memory oriented है यार, अगर आपको नहीं याद रहा तो आप पेपर में उड़ जाओगे, वहां पे आप पागल हो जाओगे, आपसे ऑपरेटर नहीं सिलेक्ट होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मेमोरी ओरिएंटेड है। ठीक है, तो अब यहां पे पावर ऑफ टैन इज ऑपरेटर जी, तो पावर ऑफ टैन इज ऑपरेटर। तो मैं एक स्टेप दोबारा लिख देता हूं, तो मैं टैन एक्स के ऊपर जो पावर है इस टाइम पे वन, उसको ऑपरेटर लेना चाह रहा हूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो बेटे देखो, अगर मैं टैन की पावर को ऑपरेटर लूंगा तो बॉक्स कौन बनेगा, बॉक्स बनेगा टैन एक्स। बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, तीन चीजें गायब कर दें। बच्चे बाहर पड़े होने से ना मतलब निकालते हैं, पहले लिखा होना चाहिए। बेटे बाहर कहीं पे भी हो सकता है, वो ऑपरेटर से पहले भी लिखा हो सकता है, वो बाद में भी लिखा हो सकता है, तीन चीजें गायब कर देंगे। पावर ऑफ टैन ऑपरेटर की, बेटा ऑपरेटर को इंटीग्रेट करने की इजाजत मिल गई, टैन एक्स की पावर होल स्क्वायर ओवर टू माइनस जी। टैन एक्स को इंटीग्रेट करना सिखाया था, कैसे किया था मुझे जरा याद करवाना, किसी को याद है टैन एक्स को कैसे इंटीग्रेट किया था? शाबाश जी बेटे, टैन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिख के, बिल्कुल शाबाश। यहां वो लॉग वाला ऑपरेटर लगता है बेटे, नीचे बॉक्स बनेगा कॉस एक्स, बॉक्स की डिफ्रेंसिएशन आएगी माइनस साइन एक्स। आपको बाहर माइनस चाहिए यहां पे, अब ऊपर तो आप यहां पे माइनस वन लगा दोगे और बाय वन ओवर माइनस वन से डिवाइड कर दोगे, ये तीन चीजें होगी कंप्लीट, इन तीनों को खत्म कर दोगे, ये माइनस इंटू माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बाहर वाला। ठीक है, और लॉग वाला ऑपरेटर क्या होता है, एल एन ऑफ, ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी, एल एन ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। सो आपका फाइनल आंसर आएगा टैन स्क्वेर्ड एक्स ओवर टू प्लस एल एन ऑफ कॉस एक्स। तो बेटे मैं दोबारा बता देता हूं, ये दोनों बातें मेमोरी ओरिएंटेड थी। पहली बात, मैंने tan x, मैंने एक नोट लिखवाया था कि tan और secant square जब भी इकट्ठे होंगे तो tan की पावर को ऑपरेटर लेना है, तो पहला तो उससे हुआ। दूसरा हुआ जो मैंने नया ऑपरेटर सिखाया था, log वाला, log वाला ऑपरेटर क्या था, whenever two log terms are being divided, नीचे की डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर लगी हो, ऊपर वाली तीनों चीजें खत्म हो जाती हैं, और इंटीग्रेशन क्या होती है, ln of the denominator। ठीक है, तो नीचे बॉक्स की डिफरेंशिएशन आ रही थी बेटे माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो लगा हुआ था, हमने माइनस वन लगा दिया यहाँ पे और बाहर पे ऑफ कर दिया नेगेटिव वन से, सो नाउ थ्री थिंग्स विल डिसअपीयर और ln ऑफ कॉस एक्स आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। बाहर बेटा माइनस और माइनस कैंसिल होके बाहर प्लस बन गया हुआ। ठीक है, अच्छा इधर मैंने अभी एक नोट देखा अपना जो इनकम्प्लीट था, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। हमने जब कहा था tan square, tan एंड secant square आर cousins, तो हमने कहा था तीन जगहों के ऊपर है, trigonometry में 1 plus tan square secant square यूज करना है, differentiation में tan की differentiation secant square होती है, integration में secant square की integration tan हो जाती है। दूसरी बात, when tan and secant square are together, then the power is, then power of tan is the operator। लास्ट एक बात लिखने वाली रह गई हुई थी, वो लिख देता हूं, even odd powers में of alone tan terms में आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होती है, वन प्लस टैन स्क्वायर इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो बेटे ये इनके पांच रिलेशनशिप्स हैं आपस में, इसलिए मैं ये वाली लाइन लाजमी याद करवाता हूं, इन रिलेशनशिप्स को जरा ध्यान से याद कर लें। टैन और सीकेंट स्क्वायर पांच जगह पे आपके सिलेबस में इकट्ठे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन में, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, तीन डिफरेंट एंगल्स से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम अपने चार्ट को देखते हैं। तो आज हमने
ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है कि ऑपरेटर अगर सिंगल ऑपरेटर रिजेक्ट हो जाए तो इवन ऑड पावर्स ऑफ लोनली साइन कॉस्ट एंड टर्म्स कैसे कवर होंगी। साइन और कॉस्ट के लिए बेटे टेबल डिफरेंट है, इवन पावर्स ऑफ साइन कॉस्ट के लिए बेटे टेबल डिफरेंट है, इवन ऑड पावर्स ऑफ टैन के लिए टेबल डिफरेंट है, ठीक है।